समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाकर के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑपरेशन की बात, फ्रीडम ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है, कैसे भूल सकता है देश। कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है, भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी। और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है, जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संसदीय कार्य समिति की जो बैठक थी उससे पहले जिस वक्त उन्होंने फिल्म का जिक्र किया कि कश्मीर फाइल्स को लेकर के जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रखी है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो चाहता ही नहीं था कि कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर आए, और फिल्में जो हैं वो एक माध्यम होता है सच्चाई दिखाने का। अब कोई आर्टिस्ट अगर अपने तरीके से एक सच्चाई को देखता है और वो दिखाता है तो किसी दूसरे को उसको लेकर के क्यों परहेज है। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार
एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाकर के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑपरेशन की बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारतीय विभाजन इन दिनों आपने देखा होगा, कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के, तो मेरा विषय ये फिल्म नहीं है, मेरा विषय ये है कि सत्य को सामने लाया जाना चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं, पूरा इको सिस्टम लग गया है जो कि सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि खलबला गया है कि कहीं ना कहीं सत्य सामने ना आ जाए। 5-6 दिन से ये साजिश चल रही है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब से ये फिल्म आई है, क्योंकि हमने इमरजेंसी के ऊपर देखा नहीं कि किसी की भी ऐसी कुछ मंशा रही हो या कोई फिल्म मेकर ऐसा रहा हो कि इमरजेंसी को लेकर के एक फिल्म तक नहीं आई है। तो सच्चाई जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी अगर सभी के लिए बराबर है तो सच्चाई सबके सामने रखी जानी चाहिए, जिसको जैसी देखनी है वो वैसे देख सकता है। ये इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, नहीं दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस